हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नई ट्रांसफर नीति और बिजली विधेयक 2020 रद्द करने की मांग को लेकर विद्युत निगम के कर्मचारियों ने बरनाला रोड स्थित बिजली घर में प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार कोविड-19 की आड़ में काले कानून लाकर कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि विद्युत निगम तकनीकी विभाग है, इसलिए इस विभाग में नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं की जानी चाहिए, इससे दुर्घटनाएं पड़ेंगी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो हेड ऑफिस और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हरियाणा की सरकार ने एक नई ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है और कोविड के दौरान हरियाणा की सरकार कर्मचारियों को ट्रांसफर करते हुए दूसरे जगहों पर भेजना चाहती है। तो हमारे कुछ कर्मचारी जो हैं कोविड का भी शिकार हुए हैं, लगातार जोखिम में काम किया है। तो हमारी प्रदेश की सरकार से मांग है कि इस ट्रांसफर पॉलिसी को फौरन रद्द करे, क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट है ये, इसमें ये लागू होने वाली नहीं है। क्योंकि कर्मचारी जो बिजली का काम करता है और सोच समझ के काम करना होता है, और पीछे भी जो पूर्व में जो सरकारें रही है, प्रदेश की सरकार को बता देना चाहते हैं, पूर्व जो प्रदेश की सरकारें रही है उन्होंने भी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई थी और उसके दौरान दुर्घटनाएं जो बढ़ी थी और कर्मचारियों ने अपनी जान खोने में भूमिका जो निभाई थी, वो बड़ा निंदनीय शब्द है। इसलिए प्रदेश की सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, कहना चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार इस ट्रांसफर पॉलिसी को वापिस ले।